हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड स्टडी पॉइंट। मैं नवनीत कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सेट 2। ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम्स में, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस, बैंकिंग और रेलवे एग्जाम जैसे एग्जाम्स में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आते तो आप वीडियो को डिसलाइक कीजिए। और आप हमारे पिरामिड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड नोट नोटिफिकेशन चाहिए तो वहाँ पे बेल आइकन है, उसको दबाइए ताकि आपको जो वो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 जो है वो है हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसमें जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट दिया हुआ है सेंटेंस के, उस पार्ट को हमें इम्प्रूव करके बताना है कि इसमें कौन सा बेस्ट इम्प्रूवमेंट इसमें है ऑप्शन में से। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो वहाँ पर हमारे पास नो इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन है। तो जो क्वेश्चन 1 वो है, सी डिड नॉट लाइक द मूवी कोमा नॉर आई डिड। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है ए नॉर डिड आई, ऑप्शन बी है नॉर आई लाइक इट, ऑप्शन सी है नॉर डिड आई लाइक इट, ऑप्शन डी है नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए नॉर डिड आई। तो होता है क्या है, जब नेगेटिव क्लॉज होता है, जब उसको लिंक किया जाता है नॉर के साथ, और जब नॉर भी वहाँ पे यूज होता है सेंटेंस के बिगिनिंग में और सेकेंड क्लॉज में, तो वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल या बी का वहाँ पे यूज किया जाता है फॉलोइंग बाय द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब इज देयर, अगर वहाँ पे है तो वहाँ पे जो ये आएगा नॉर डिड आई आएगा, सी डिड नॉट लाइक द मूवी नॉर डिड आई। तो ये हमारा ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 2, ये भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। इसमें है क्वेश्चन 2 के अंदर, द फ्रंट्स ऑफ द कोकोनट ट्री मेक्स अ जेंटल, इसमें ब्रैकेट में है म्यूजिकल नोट व्हेन द विंड ब्लोज। तो बेसिकली यहाँ पे इसके अंदर जो म्यूजिकल नोट है उसके लिए हमें क्या इम्प्रूव्ड यहाँ पे पार्ट यूज करना चाहिए। ऑप्शन ए हमारे पास है म्यूजिकल नोट की जगह है म्यूजिक नोट, बी है म्यूजिक साउंड, सी है म्यूजिकल साउंड, ऑप्शन डी है नो इम्प्रूवमेंट। तो जो म्यूजिकल नोट है अगर उसको इम्प्रूव करके लिखना है हमें, तो हम यहाँ पे नोट की जगह अगर उसको साउंड लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन यहाँ पे, मतलब इसमें अच्छा लगेगा। तो म्यूजिकल साउंड है वो इसके हिसाब से बिल्कुल इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो सी है इसका वो करेक्ट आंसर है म्यूजिकल साउंड। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो फ्रॉन्ट्स होते हैं बेसिकली इट्स अ लॉन्ग लीफ ऑफ सम प्लांट्स ट्री स्पेशली पाम्स एंड फर्न्स। तो ये जो फ्रॉन्ट्स होते हैं ये बेसिकली लॉन्ग लीफ होते हैं कुछ प्लांट्स के, ट्रीज के, स्पेशली पाम्स एंड फर्न्स के। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स है ये अब हमारे। इसमें है क्वेश्चन 3 में, मदर हैड प्रिपेयर 20 बिस्कुट्स, राज एट ऑल ऑफ देम, देयर फॉर मदर कॉल्ड हिम ए। तो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक में बताना है कि इसमें क्या आएगा उसके लिए। ऑप्शन ए है यहाँ पे डाइजेस्टर, ऑप्शन बी है गॉर्डर, ऑप्शन सी है नीडी, ऑप्शन डी है ग्लूटन। तो इसका जो आपको इसमें पता होगा वो काफ़ी इजी आंसर है, ये ऑप्शन डी है इसका ग्लूटन। बेसिकली वो पर्सन होता है ग्लूटन उसको बोलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खाता है, तो वो 20 बिस्कुट्स आ गया। तो यहाँ पे जो परफेक्ट इसके लिए यूज बन रहा है वो ग्लूटन बन रहा है, जिसको हम यूज कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक में। क्वेश्चन 4, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे है, द प्रेस इज सपोज टू बी ए मीन्स ऑफ, यहाँ पे है इसके बाद ब्लैंक, उसके बाद बिटवीन द गवर्नमेंट एंड दी फिर ब्लैंक। तो हमें इन दोनों ब्लैंक्स के बारे में बताना है कि वहाँ पे क्या आएगा। जो प्रेस है इज सपोज टू बी मीन्स ऑफ, तो वहाँ पे हम पहले में देखते हैं कम्युनिकेशन, हेल्प, कन्फ्रंटेशन या प्रोपोगंडा। ऑप्शन ए बी सी में डी आपको इकट्ठा बता रहा हूँ। तो अब जैसे वहाँ पे सेकंड में उसमें है पीपल, सोसाइटी, टेररिस्ट एंड सेक्टर। तो जो हमारा ऑप्शन ए है उसके अंदर दिया हुआ कम्युनिकेशन, तो इट्स करेक्ट कि जो एक प्रेस है वो सपोज टू बी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन ए हो गया। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 5, दैट इज़ वन वर्ड। तो इसमें क्या है कि आपको एक वर्ड में उसका बताना है कि उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है एक पूरे सेंटेंस की जगह, अगर हमें एक वर्ड यूज करना तो क्या होगा। जैसे रूड और नॉट रिस्पेक्टफुल, क्वेश्चन 5 नो के लिए अगर हम इसमें रूड और नॉट रिस्पेक्टफुल के लिए कौन सा वर्ड यूज इसमें करेंगे, तो ऑप्शन इसमें है डिमेगिग्यू, ऑप्शन बी है इम्प्यूडेंट, सी है एकोलेट, ऑप्शन डी है ऑथ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है इम्प्यूडेंट। जो डेमोगोगी होता है उसका मतलब होता है ए पॉलिटिकल लीडर हु सीक्स सपोर्ट बाय अपीलिंग टू पॉपुलर पैशंस एंड प्रेजुडिसेस।
तो ऐसे ही अकोलो डेड जो होता है वो होता है एक एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमिरेशन। क्वेश्चन 6, वन वर्ड है अगेन ये, तो इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा इसका ऑप्शन बेस्ट जो है वो वन वर्ड में एक्सप्रेस करता है। तो हमारा जो है वो पहले उसका सेंटेंस देख लेते हैं, दैट विच कैन बी अफेक्टेड और ब्लर्टेड आउट। तो इसका जो ऑप्शन है ए इरेलीवेंट, बी डिलाइबल, ऑप्शन सी प्रोपरिएटी, ऑप्शन डी अवेरियसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी डिलाइबल। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोपरिएटी जो होती है एक स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट इन बिहेवियर और मॉरल, उसको हम एक बोलते हैं, वो बेसिकली एक स्टेट होता है, एक कंडीशन होती है जहाँ पे आपका जो वो है आप बिहेवियर में मॉरली या किसी भी तरीके से करेक्ट होते हैं। और इसके अलावा जो हमारा डी में दिया गया था एवेरिशियस, वो होता है वन हु इज़ ग्रीडी, जो एक लालची इंसान होता है उसको हम ये बोलते हैं। तो फिर है इरेलीवेंट, जो कि किसी पॉइंट से मतलब नहीं रखता, नॉट टू बी द पॉइंट, उसको हम इरेलीवेंट बोलते हैं। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 7, इडियम्स एंड फ्रेजेस। नाउ क्वेश्चन जो 7 है वहाँ पे हमें इडियम्स एंड फ्रेजेस में बताना है। तो उसमें है गेट ऑन वंस नर्व्स, तो इसमें है इसके लिए हमें बताना है कि जो इडियम फ्रेज जो यूज होते हैं वो इसमें से किसकी मतलब प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन हमें ऑप्शंस में दी गई है। तो गेट ऑन वंस नर्व्स है, उसका जो एक्सप्लेनेशन क्या ए है वेरी क्लोज इंटीमेट, बी विजिलेंट एंड केयरफुल, सी टू कीप वंस प्रोमिसेस, डी टू इरिटेट और एंग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, टू इरिटेट और एंग्री। तो इसका जो मतलब होता है वो किसी को इरिटेट या एंग्री करना होता है। नाउ क्वेश्चन 8, ग्रीज दी पाम। तो ये बहुत ईजी है, इसका जो ऑप्शन है वो है टू रन अवे, बी टू कम्युनिकेट योर आइडियाज फीलिंग एट्सेट्रा सक्सेसफुली, ऑप्शन सी फिनिश, और ऑप्शन डी टू ब्राइब। तो ग्रीस दी पाम आपका मतलब समझ सकते हो टू ब्राइब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी टू ब्राइब। नाउ क्वेश्चन 9, ये है इसमें हमें सिनोनिम्स बताने, यूरोडाइट इसका हमें सिनोनिम बताना है। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एग्जीक्यूट, ऑप्शन बी एक्सपेंस, ऑप्शन सी एकेडमिक, ऑप्शन डी सेटल। तो इरोडाइट होता है उसका मतलब होता है कि जब किसी के पास बहुत नॉलेज होती है, तो या उस नॉलेज का होना कि काफ़ी अच्छी नॉलेज या लर्निंग होना, तो एग्जीक्यूट है उससे इसका मतलब नहीं बनता, एक्सपेंस है उसका इससे मतलब नहीं बनता, एकेडमिक है उससे बनता है, और सेटल है उससे नहीं बनता। तो अब इसमें जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया इसका ऑप्शन सी एकेडमिक। क्वेश्चन 10, निगार्ट। अब ये जो क्वेश्चन 10 है इसमें हमें इसका बताना है। ऑप्शन ए है बेनोवेलेंट, ऑप्शन बी है माइजर, ऑप्शन सी है लेविस, ऑप्शन डी है प्रोफाउंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसका माइजर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11, इसमें एंटोनिम्स हमें बताने हैं, और इसमें जो हमें बताना ओवर्ट का एंटोनिम बताना है, उसका अपोजिट क्या होता है वो हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन है ऑब्वियस ए, बी है मैनिफेस्ट, ऑप्शन सी है कंसील्ड, ऑप्शन डी है इनएक्सप्लिकेबल। तो इसका जो ऑप्शन सी है कंसील्ड वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो अवर्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है कि सोन ओपनली, जिसको खुल के लोगों को दिखाया जाए या किसी को भी दिखाया जाए, तो जो कंसील्ड है उसको छुपाया जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन 12, इसमें भी हमें एंटोनियम इसका बताना है, चार्लिस का। चार्लिस जो है उसका एंटोनिम इसमें से हमें बताना है। ऑप्शन ए है अनसिविलाइज्ड, ऑप्शन बी है पोलाइट, ऑप्शन सी है मेजरली, और ऑप्शन डी है एबहॉर। तो इसका जो ऑप्शन है, मैं बताने से पहले पहले आपसे चार्लिस का मीनिंग पूछना चाहूँगा, आप बताइए, मैं तो बताऊँगा इसमें। तो जब चार्लिस का मीनिंग होता है वो होता है रूड मीन स्पिरिटेड, जो इंसान होता है उसको हम चार्लिस बोलते हैं। तो इसमें जो है अनसिविलाइज्ड पोलाइट मेजरली एबहॉर, तो अनसिविलाइज्ड मिलता जुलता है, मेजरली मिलता जुलता है, जो पोलाइट है वो उसका अपोजिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया करेक्ट वो हो गया बी पोलाइट। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें छोटी मोटी मिस्टेक होती है, इसमें आप स्पेलिंग अगर आपको अच्छे से आती है आपको तो इसमें आप बता सकते हैं। तो इसमें आप पहले में देखेंगे सिस्टमेटिकली, तो आप इसमें देखेंगे सिस्टमेटिकली, उसमें आगे ए आ गया है, ए नहीं आना चाहिए। अब उससे नीचे वाले में आप देखते हैं उसमें ई आया है, ई सही है, बाकी उसमें आपको कोई कमी नहीं लगेगी। सी है उसके अंदर आप देखेंगे उसमें एल सिंगल है तो आपको वहाँ पे कमी दिख जाती है। डी में आप देखते हैं तो उसमें आई आ जाता है, तो अगेन मिस्टेक है। तो इसका मतलब हुआ जो बी है इसका वो करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन 14 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से ही क्वेश्चन 14 हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू, इसको हमें कन्वर्ट करना है। ऑप्शन ए है हमारे पास हैव एनीबडी बीन शोन बाय यू व्हाट टू डू, तो ये आप देखते जाइए अभी बताते हैं। फिर बी हैव एनीबडी बीन शोइंग यू व्हाट टू डू, सी हैज यू बीन शोन व्हाट टू डू, डी हैज एनीबडी शोन यू व्हाट टू डू। तो आप इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक कर सकते हैं, आप एलिमिनेट मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हैज एनीबडी शोन यू व्हाट टू डू। तो इसके आपका जो है करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें है द टास्क शुड हैव बीन कम्प्लीटेड बाई द स्टूडेंट। ऑप्शन ए है द स्टूडेंट शुड हैव कम्प्लीटेड द टास्क, ऑप्शन बी द स्टूडेंट शुड कम्प्लीट द टास्क, ऑप्शन सी द स्टूडेंट शुड बी कम्प्लीटिंग द टास्क, डी द स्टूडेंट शुड हैव कम्प्लीट द टास्क। आप अब इसमें क्वेश्चन में देखिए शुड हैव बीन है, तो अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो शुड हैव में इसका होगा, तो ये हमारा जो था ये पैसिव है। अब इसको हम एक्टिव में कर रहे हैं कन्वर्ट, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो इसको प्रॉपरली दे रहा है, यहाँ पे द स्टूडेंट शुड हैव कम्प्लीटेड द टास्क, तो इसलिए जो इसका आंसर हुआ वो ऑप्शन ए हो गया, द स्टूडेंट शुड हैव कम्प्लीटेड द टास्क। क्वेश्चन 16 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस है ये, तो इसमें है निशा टोल्ड मोनिका व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वियरिंग। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास है निशा एक्सक्लेम दैट मोनिका वॉज वियरिंग ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ऑप्शन बी सा बी है निशा एक्सक्लेम दैट इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, ऑप्शन सी है निशा एक्सक्लेम दैट मोनिका इज वियरिंग ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ऑप्शन डी है निशा टोल्ड मोनिका दैट वॉज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। तो आप इसमें देखेंगे जो बाहर है वो पास्ट में है, तो जो अंदर का जो सेंटेंस है अब उसको आप देखते जाइए यहाँ पे, तो इसमें आंसर जो आएगा इसका हो गया ऑप्शन ए निशा एक्सक्लेम डेट मोनिका वॉज वियरिंग ए ब्यूटीफुल ड्रेस, क्योंकि बाहर पास्ट में था तो अंदर का जो सेंटेंस है वो भी पास्ट में बनेगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17 ये है सेंटेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड, तो इसमें जो फर्स्ट है वो है और सिक्स्थ है वो फिक्स है, उसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे ना, उसमें हमें करना है पी क्यू आर एस है उसको हमें अरेंज करना है। तो उसमें हमारे पास द गवर्नमेंट, पी द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, क्यू हैज अंडरटेकन ए सीरीज ऑफ प्लान्स, आर एंड फॉर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, एस फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज अप सेट ऑल द प्लान्स। तो इसमें जो है हम देखते हैं दो द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट से पहले बात हो रही है, तो उसमें देखते हैं हम गवर्नमेंट ने वहाँ पे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये नहीं आएगा, द हैज़ अंडरटेकन ए सीरियस प्लान्स ये हो सकता है, एंड फॉर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ये नहीं होगा, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट द गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी हो सकता है। तो हमारे पास अभी है पी या एस, तो अभी ज़्यादा जो हमें अच्छा लग रहा है वो इसमें क्या लिख रहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन ए सीरीज ऑफ प्लान्स ये हमारा बन सकता है, तो क्यू हमारे हिसाब से पहला आएगा तो आ रहा है, तो हमें पता चल गया क्यू हमारा आ सकता है पहले, ठीक है, और द गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता था, तो हमारा एस भी आ सकता है, तो एस भी हमारे पास ऑप्शंस में है। तो अभी हमें आगे का क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसमें है अगर हमारा हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन का इसमें क्यू पहले आता है, तो अब हमारे पास बच गई पी आर एस प्लान्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो क्यू एस हमारा आगे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, तो क्यू एस आ गया हमारा यहाँ पे क्लियर। अब उसके बाद हम देखते हैं अब हमारा बच गया पी और आर, तो अब यहाँ पे आ गया आर, हम देखते हैं इसमें द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, तो हमारा जो सेंटेंस है वो बना दो द गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन ए सीरीज ऑफ प्लान्स, एस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर एंड फॉर रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये हमारा एक कंप्लीट बन रहा है। उसके बाद हम पी लाते हैं पीपल लिविंग ऑफ द पीपल, फिर हमारा आ सकता है यहाँ पे पी द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज अपसेट ऑल द प्लान्स, तो हमारे ये समझ में आ गया कि वहाँ तक हुआ है उसके बाद वो पॉपुलेशन, तो इसका जो परफेक्ट सीक्वेंस हो गया वो हो गया क्यू एस आर पी, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन डी में, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 18 सेंटेंस अरेंजमेंट अगेन, अब इसमें है 18 में पहले और जो सिक्स्थ है वो फर्स्ट एंड सिक्स्थ जो है वो फिक्स हैं, ए प्रोपोजल हैज बीन मेड
ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोजल की बात हो रही है, सिक्स में हैव बीन ट्रिम्ड, तो अब हमें इसमें देखना है। तो अब इसमें हम जैसे देखते हैं, टूरिस्ट विल कंटिन्यू टू विजिट पार्क्स टू ट्रिम द हॉर्न्स राइनोस एंड टू डिस्करेज पोचर्स, एंड द क्वेश्चन इज वेदर टू सी राइनो वंस द एनिमल्स हॉर्न्स। तो अब इसमें हम देखते हैं, तो हमारा जो ए प्रपोजल हैड बीन मेड, मेड के बाद क्या आएगा, या तो टू आएगा या फोर आएगा। तो मेड टू ट्रिम द हॉर्न्स ऑफ राइनस टू डिस्करेज पोचर्स, तो हमारा आ गया क्यू, पहला क्यू आ गया। अब हमें इसके बाद देखना है कि पोचर्स एंड पोचर्स के बाद है, अब टूरिस्ट स्टार्ट नहीं हो जाएगा डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ पे, मतलब सेंटेंस आगे पोचर्स टू सी राइनस वंस द एनिमल हॉर्न्स, मेरे हिसाब से ये भी नहीं आएगा। तो इसका जो आना चाहिए वो आना चाहिए कि यहाँ पे पोचर्स टू सी राइनस वंस द एनिमल हॉर्न, हाँ ये आ सकता है, लेकिन हमें क्यू के बाद पोचर्स एंड द क्वेश्चन इज वेदर, तो आर भी आ सकता है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि हमारा आर भी हमारी पॉसिबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा, और एस भी है, तो एस हमें कम लगती है, आर ज़्यादा लगती है। अब देखते हैं आगे, टूरिस्ट विल कंटिन्यू टू विजिट पार्क, तो पी हमारा ये बन गया। अब हमारा बच जाता है एस टू सी राइनस वंस द एनिमल्स हॉर्न्स, तो हमें पता चलता है पी और एस की सीरीज बन रही है, पी एस बन रहा है, तो उधर से क्यू और फिर आर हमारा फिक्स हो जाता है। तो क्यू आर पी एस, ये हमारा परफेक्ट इसका सीक्वेंस हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19, फ्रेजल वर्ब, इसमें हमसे पूछा गया है रन थ्रू का मीनिंग इसमें क्या है। ऑप्शन ए है टू एंड, बी है टू कंटिन्यू, पे ए ब्रीफ विजिट टू सी, सी है टू पियर्स, डी है टू अटैक। जो रन थ्रू होता है उसका मतलब है टू पियर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। क्वेश्चन 20, स्पॉट द एरर है, इसमें जो ए है वो है दिस इज द रोड, बी हुज इनोग्रेशन, सी वॉज डन बाई द प्रेसिडेंट, डी नो एरर। आप इसमें देखिए दिस इज द रोड, तो अब वूज है वो इंसानों के लिए, लिविंग बींग्स के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे आना चाहिए विच का यूज। तो जो बी है उसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो दिस इज द रोड द इनोग्रेशन ऑफ विच वॉज डन बाई द प्रेसिडेंट, ये इसकी करेक्ट होनी चाहिए। इसलिए हमारे जो इसमें एरर है वो बी में है, तो हमारे इसलिए जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया बी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चंस दिखाए हैं, आप इस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए, अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।